एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए। जहाँ सिद्धार्थ कोमल हृदय का बालक था, वहीं देवदत्त झगड़ालू व कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे, देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था। इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता था। जहाँ वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हो रहा था। तभी देवदत्त ने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, वह घायल हो गया और छटपटाकर नीचे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे लहू को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तभी देवदत्त वहां आ पहुंचा। उसने क्रोध से सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, इस हंस को चुपचाप मुझे दे दो, सिद्धार्थ इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। नहीं, सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो, तुमने इस निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैं इसे ना बचाता तो इस बेचारे की जान चली जाती। देखो सिद्धार्थ, देवदत्त उसे घूर कर बोला, यह हंस मेरा है, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है, इसे चुपचाप मुझे दे दो, यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया। देवदत्त राजा शुद्धोधन के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। शुद्धोधन ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राजमंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोधन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है, इसे मैंने तीर मारकर पृथ्वी पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार कर लिया है, यह हंस मेरा है, कृपया इसे मुझे दिलाया जाए। और राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा, महाराज, यह हंस निर्दोष है, यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़ा जा रहा था। देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया, मैंने इसका उपचार किया है, इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए, मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। शुद्धोधन ने अपने सभा सदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है, जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक है, अतः हंस राजकुमार के सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभा सदों की बात मान ली। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते। तो इस कहानी से सीख यह मिलती है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो सच्चे दिल से करनी चाहिए। हाँ, इसका जो डायरेक्ट मोरल है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस कहानी का सीधा इशारा किसी की मदद करने से संबंधित है। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी को अपना वो लक्ष्य मिल जाए जो सालों से पाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर पर जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की को काटने पर तुला रहता है, ऐसे ठोंगी जमाने में सच्चे दिल से मदद करने वाला हजारों में एक मिल गया तो काफ़ी है। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई, दूसरों की मदद करने में निकाला है, इसलिए उन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो एक भगवान और एक शैतान हम सबके भीतर भी छुपा पड़ा है। अब वो निर्भर आप पर करता है कि किससे कब कौन सा काम लेना चाहिए। दूसरा, जो चीज़ हमारे बस में है, जो मदद हमारे बस में है, उसे दुनिया में उन लोगों के साथ जरूर बांटना चाहिए जिसे वाकई में इसकी ज़रूरत है। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस कमल वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है, तो आपसे निवेदन है कि अंगूठे वाला बटन दबा के इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दूसरा, अगली वीडियो किस प्रकार की देखना चाहेंगे और किस टॉपिक पर, जरूर बता के जाना। बाकी अपने दोस्तों और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरीज, जिंदगी बदलाव से संबंधित हाई पावर मोटिवेशनल वीडियो और प्रेरणादायी बातें और महान लोगों के अनमोल विचार सुनते रहें और अपने अंदर के मोटिवेशन को हमेशा जगाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।